हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के लॉज, उनसे रिलेटेड जो थे उनको हम लोगों ने डील किया था। देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उसका मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि F2 जनरेशन में डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट आता है, उसी से आपको समझ में आएगा जो तीसरा लॉ था मेंडल का, विच इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? सो स्टूडेंट, हम लोग आज उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो हमने लिया था, हम लोग अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे कि F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया था। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। जैसा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको याद हो तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 का रिजल्ट था। तो F2 में हम क्या कराते हैं, अगर आपको याद हो तो F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, जो भी F1 में रिजल्ट आता है उसका क्रॉसिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन के अंदर। तो हमारे लिए F2 जनरेशन में हमें क्रॉस किसके किसके बीच कराना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो है इसे ही हमें क्रॉस कराना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल आर स्मॉल आर से। ठीक है, ये हमें कराना है F2 जनरेशन में। तो अब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा F2 में। तो अगेन हम लोग फिर से पनेट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गैमेट, इनसे कौन कौन सा गैमेट आपको मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमेट हमें मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसके बाद जो दूसरा गैमेट हमें दिख रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर नेक्स्ट हम गैमेट देख रहे हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसी तरह नेक्स्ट जो हमें गैमेट दिख रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, सेम है, सेल्फिंग करा रहे हैं तो यहाँ से भी हमें वही सारे गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब उन गैमेट्स को भी हम यहाँ ज़रूर मेंशन करेंगे, क्या मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगेन नेक्स्ट क्या मिलेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, एंड नेक्स्ट मिलेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो इनको जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, तो यहाँ देखिए इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो इनके रिजल्ट को हम लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है ना, फिर उसी तरह कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को कराएंगे तो क्या मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इन दोनों को कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आएगा। उसी तरह यहाँ भी हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के बीच कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इनके इनके बीच कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये नेक्स्ट रिजल्ट हमें मिला। फिर हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन हमें क्या मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इनके बीच कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर अगेन, इनके इनके बीच कराएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर इनके इनके बीच कराएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इनके इनके बीच कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, फिर उसी तरह स्मॉल वाई स्मॉल आर, और फिर अगेन सारा का सारा क्या आएगा रिसेसिव आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनमें से क्या रिजल्ट आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए, पूरी तरह से डोमिनेंट ट्रेड की बात करें, यानी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या है, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा येलो राउंड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था कैपिटल वाई वो जो कि येलो कलर था विच इज़ डोमिनेंट,
एंड जो शेप था वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, वो कैसा था, राउंड और रिंकल्ड था. राउंड जिसमें था वो डोमिनेंट था और रिंकल्ड कैसा था, रिसेसिव था. ठीक है ना. तो बच्चों यहाँ अगर देखें तो पूरा का पूरा डोमिनेंट ही करेक्टर है. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, येलो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं येलो राउंड. ठीक है. यहाँ अगर देखें तो यहाँ डोमिनेंट करेक्टर है तो ये तो येलो हुआ, और यहाँ भी डोमिनेंट है तो ये भी कैसा होगा, राउंड. ठीक है. अभी हम सिर्फ फेनोटाइप देख रहे हैं. यहाँ अगर इसकी बात करें ये कैसा होगा, ये भी येलो और राउंड. ठीक है. इसकी बात करें ये भी कैसा होगा, येलो राउंड. ठीक है. फिर नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ये भी कैसा होगा, येलो और राउंड. ठीक. इसकी बात करें तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई यानी जो कलर है वो तो डोमिनेंट है यानी येलो, लेकिन जो शेप है वो कैसा है, रिंकल्ड है यानी येलो रिंकल्ड. क्लियर. यहाँ देखें तो ये क्या है, येलो, और ये क्या है, राउंड. अगेन येलो राउंड. फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, येलो. बट अगर हम शेप देखें तो दोनों स्मॉल आर है, विच मीन्स रिसेसिव, यानी ये कैसा होगा, रिंकल्ड होगा. ठीक है. फिर हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे इसका, तो ये भी कैसा होगा, येलो और राउंड, क्योंकि क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है. ये भी अगेन येलो राउंड. ठीक है. इसकी बात करें तो यहाँ स्मॉल वाई है, तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट है, तो यहाँ क्या होगा, रिसेसिव का अपीयरेंस होगा. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलो राउंड है, ये वाला स्मॉल वाई है, और कैपिटल आर है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट, और ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड नहीं होगा ना, क्योंकि कैपिटल आर है, तो राउंड हो जाएगा. सॉरी यहाँ पे मैंने वाइट लिख दिया है, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल एरर है. सो स्टूडेंट्स यहाँ अगर हम देखें तो इसे हम यहाँ वाइट गलती से लिख दिया मैंने. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो रिसेसिव कैरेक्टर हमने लिया था, वो रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, ग्रीन. ठीक है ना, ग्रीन कलर. तो यहाँ पे कौन सा कलर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रीन विच इज़ रिसेसिव, और यहाँ डोमिनेंट कैपिटल आर है, तो ये राउंड हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको रिसेसिव मिल रहा है यानी ग्रीन कलर, और यहाँ पे ये कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या होगा, राउंड. यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो राउंड. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, येलो. और नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ भी है, तो येलो अगेन क्या हो जाएगा, राउंड. ठीक है. यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी येलो और स्मॉल आर है, यानी रिसेसिव कैरेक्टर ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्ड. ठीक है. उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, ग्रीन होगा. ठीक है, क्या होगा, ग्रीन, और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ अगेन राउंड, ग्रीन राउंड. और यहाँ अगर हम देखें तो स्मॉल वाई स्मॉल आर इसमें पूरी तरह से रिसेसिव है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रीन रिंकल्ड. क्लियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिनोटाइप के बारे में, फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करें तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, येलो राउंड एक यहाँ पे दिखा, एक येलो राउंड. ठीक है, दूसरा येलो राउंड, तीन येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, चार ये येलो राउंड, पाँच ये येलो रिंकल्ड है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे. फिर येलो राउंड छः, ये येलो रिंकल्ड, ये येलो राउंड सात, अगेन येलो राउंड आठ, फिर ग्रीन राउंड येलो राउंड नाइन, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड. ठीक है, यानी येलो राउंड की बात करें तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो, रिजल्ट
इन एफ टू, एफ टू में क्या रिजल्ट आया? तो फिनोटिपिक रेशियो जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था फिनोटिपिक रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो था, ठीक है? जिनमें से अभी हमने देखा 9 क्या है, येलो राउंड है, जैसा कि हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 हमें क्या मिल रहे हैं? येलो राउंड, ठीक है? 9 हमें क्या मिल रहा है? येलो राउंड। अब नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है? येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड की बात करें तो यहां पे एक येलो रिंकल्ड, फिर यहां पे हमें नेक्स्ट मिला येलो रिंकल्ड, दो येलो रिंकल्ड, और यहां पे फिर आ जाते हैं 3 येलो रिंकल्ड, ठीक है? तो यहां पे जो 9:3 है, ये तीसरा क्या है? येलो रिंकल्ड, ठीक है? नेक्स्ट वन इज येलो रिंकल्ड। अब अगेन हम देखें 3 है रेशियो। अब देखिए ये वाला कॉलम हो गया, ये वाला कॉलम, अब है ग्रीन राउंड, देखते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन राउंड ये, दूसरा ग्रीन राउंड ये, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? ग्रीन राउंड, यानी 3 ग्रीन राउंड भी हमें मिल रहे हैं। तो 3 ये क्या हो जाएंगे? ग्रीन राउंड, क्या है ये? ग्रीन राउंड। एंड एक आपका बचा ग्रीन रिंकल्ड, एक क्या बच रहा है? ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है? तो यही आपको होमवर्क दिया गया था, ये आपको बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए कि जो फिनोटिपिक रेशियो हम लिख रहे हैं 9:3:3:1, ये कैसा रेशियो है, विच मीन्स यहाँ पे ये जो 9 है ये कौन सा फिनोटाइप है, 3 कौन सा फिनोटाइप है, अगेन 3 कौन सा फिनोटाइप है, और 1 कौन सा फिनोटाइप। अब बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आप देखिए, ये जो हम पूरा का पूरा देख रहे हैं इसमें सारे का फिनोटाइप सेम है, बट जीनोटाइप अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप में हम देखते हैं, अगर हम अगेन देखें जीनोटाइप तो यहाँ देखिए ये कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर है, ठीक है? अब ऐसा अगर हम देखना चाहें पूरी तरह से डोमिनेंट, तो हमें क्या कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो ये एक ही है, 1 सिर्फ एक है। अब इसकी बात करें तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप अगर हम देखें तो हमें क्या कहीं मिल रहा है? देखिए एक ही, दूसरा नंबर हम इसको देंगे, ये वाला स्टार कर देते हैं, ये एक यहाँ मिला, यहाँ पे सेम जीनोटाइप है, देखिए येलो राउंड इनका जीनोटाइप क्या है? सेम है। तो फिर आगे और हम देखते हैं, और हमें ये जीनोटाइप नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहां पे देखिए हम यहां पे लिखते जाएंगे, जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है एफ टू जेनरेशन का, वो क्या है? हमें एक मिला, ठीक है? फिर दूसरे वाले का कितना मिला? 2 मिला, तो 2 लिख दिया हमने। अब हम इस जीनोटाइप की बात करते हैं, अगर इसका देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये वाला येलो राउंड कितना है? तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम सर्कल करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है? तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे हमें दूसरा मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ अगर हम देखें तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दूसरा, और देख लेते हैं कहीं पे मिल रहा है, और कहीं पे हमें नहीं मिल रहा है। तो अगेन इसका भी रेशियो क्या हो गया? इसका भी रेशियो क्या हो गया? 2 हो गया, क्लियर? अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये वाले येलो राउंड के बारे में अगर देखें तो हमें एक तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए कहाँ है, नेक्स्ट यहाँ पे भी है, ठीक है? फिर इस कॉलम में नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हमें मिल रहा है, एक यहाँ पे मिला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी मिला,
ये भी मिल गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कहीं नहीं। तो टोटल एक, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फोर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद, ये जो जो हमने स्टार मार्क करा है वो सब तो हो गया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड वाले जीनोटाइप की बात करते हैं। ये कौन कौन सा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक है। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता मतलब ये सेम जीनोटाइप आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कहीं नहीं, एक है। ठीक है, तो यहां हम अगेन लिखेंगे वन, क्लियर। अब यहां की बात करते हैं येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड में कैपिटल वाई स्मॉल आर ये देखते हैं कौन सा है। अब हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वाई कैपिटल स्मॉल आर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे एक हमें यहां मिला, दूसरा अगर देखिए यहां पे दूसरा हमें यहां मिल गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां पे अगेन हम क्या लिख देंगे, दो। ठीक, अब नेक्स्ट ये वाला कॉलम कहोगे, ये वाला कॉलम कहोगे, अब बचा ये वाला स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ग्रीन राउंड में ये वाला जीनोटाइप कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये देखते हैं। तो ये अगर हम देखें स्मॉल वाई कैपिटल आर तो ये अगेन ये एक है। ठीक है, ऐसा और हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, अगेन चेक कर ले, नहीं मिल रहा है, तो अगेन हम रेशियो क्या लिख देंगे, वन। क्लियर, अगेन हमने क्या लिख दिया, रेशियो वन। अब फिर हम इसकी बात करते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक है और ये एक है, तो दो यहाँ पे हमको अगेन मिल गया, तो हमने दो लिख दिया। और अब एक लौता बचा है जो कि रिसेसिव है स्मॉल वाई स्मॉल, यानी ग्रीन रिंकल क्या है, एक ही है। तो यहाँ याद करने के लिए मैंने आपको बताया था 12 24, ठीक है, 12 2 24, फिर अगेन 12 12 1, ये याद करने का तरीका है जीनोटाइपिक। तो इसमें कौन कौन क्या क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो रेशियोज है चाहे जीनोटाइपिक हो या फिनोटाइपिक हो, मैंने आपको पहले भी बताया है जीनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब ये जेनेटिक रिपोर्ट। आपने देखा है कि येलो राउंड के ही बड़े सारे क्या है, जीनोटाइप है, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो नहीं, एक्सटर्नली येलो राउंड हमें मतलब नहीं उसका जीनोटाइप क्या है, हम येलो राउंड एक्सटर्नली देख रहे हैं तो उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। क्लियर, तो ये आपका था डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, और इस पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने देखा था हर जीन का जो एक्सप्रेशन है वो एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स देखते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, वन, ऑब्वियस ही बात है ना, हम लोगों ने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टाइम पे हम कितने कैरेक्टर को लेंगे, एक। उसी तरह डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो कितना लेंगे, दो। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो कितना लेंगे, तीन। यानी कैरेक्टर्स अगर देखें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लेना है, डायहाइब्रिड क्रॉस में दो लेना है और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में तीन लेना है। उसी तरह टाइप्स ऑफ गैमेट F1 में टाइप्स ऑफ गैमेट की बात करें तो F1 जेनरेशन में जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, कैपिटल T स्मॉल T, ठीक है ना, तो गैमेट कितना हुआ था फॉर्म, दो। कैसे, तो इसको सिंपल इस तरह से याद रखना है, दो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 to the power 1, यानी एक कैरेक्टर ले रहे हैं तो कितना गैमेट मिलेगा, दो। उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस में जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इससे हमें कितने गैमेट्स मिले थे, ठीक है ना, यानी टाइप्स ऑफ गैमेट बाय F1 से आपको कितने गैमेट मिल रहे हैं, चार। इससे हमने चार गैमेट फॉर्म किए ना, ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है, 2 to the power 2, जितने नंबर कैरेक्टर होंगे इज इक्वल 2 to the power 2, क्या हो जाएगा, 4। 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। उसी तरह ट्राईहाइब्रिड क्रॉस अगर लिया है आपने 2 to the power 3, दैट इज इक्वल टू 8। यानी ट्राईहाइब्रिड में मान लीजिए कैपिटल A स्मॉल A, कैपिटल B स्मॉल B, कैपिटल C स्मॉल C,
ठीक है। तो ये आपका कुछ फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग F2 में बात करें, F2 जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था तो उसमें ऑफस्प्रिंग कितने प्रोड्यूस हुए थे, 4, ठीक है, कितने प्रोड्यूस हुए थे, 4। इसको भी लर्न करने के लिए ट्रिक है 4 to the power 1, यानी एक अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहे हैं एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं तो 4 to the power 1 यानी 4 आ जाएगा। डायहाइब्रिड क्रॉस में टोटल आपको कितना आया था, 16 ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए थे, तो इसका तरीका है 4 to the power 2 यानी 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो 2 तो 16, और अगर 3 कैरेक्टर ले रहे हैं तो 4 to the power 3 = 64, ठीक है ना। उसके बाद मोनोहाइब नंबर ऑफ पनेट, जितने ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगे उतना ही पनेट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यही सेम 4 to the power 1 = 4, अगेन 4 to the power 2 = 16 और 4 to the power 3 = 64। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। इसके बाद अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो जैसा आपने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 3:1, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में यही आया था ना 9:3:3:1 अभी हम लोगों ने देखा। तो बच्चों यहाँ पे जो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि कभी भी आपको फिनोटिपिक रेशियो ट्राई हाइब्रिड का पूछ दे या टेट्रा हाइब्रिड का पूछ दे तो बस यही करना है। जैसे 3:1 था, इसमें अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 3:1 जो मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3:1 से, तो देखिए रिजल्ट जो है वो क्या आता है, डायहाइब्रिड का निकलेगा। यानी दो बार आपने 3:1 मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए 3:3 = 9, 3:1 = 3, अगेन 3:1 = 3 एंड 1:1 = 1, ठीक है, तो 9:3:3। अब इसमें अगर आप 3:1 कर देते हैं तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा विच इज 27:9:9:3:9:3:3:1। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर देखें तो हमें 2 फिनोटाइप मिल रहा है, इसीलिए 2 रेशियोज लिख रहे हैं ना 3:1, तो यहाँ पे 2। उसी तरह डायहाइब्रिड क्रॉस में बात करें तो कितने फिनोटाइप मिल रहे हैं, 4, इसीलिए 4 रेशियोज के अंदर हम लोगों ने रखा है। एंड ट्राईहाइब्रिड में कितना मिलेगा, 8, इसके लिए भी वही ट्रिक 2:1, एक कैरेक्टर लिया है तो 2:2, 2 कैरेक्टर लिया है तो 2:3, अगर 3 कैरेक्टर लिया है, 4 कैरेक्टर लेंगे तो 2:4। इस तरह से हम नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो के बारे में, ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो जीनोटिपिक रेशियो है ये अगर देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। अब इसमें आप एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन 1:2:1 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, आप देखिएगा। अब इसमें ये जो रिजल्ट आया है इसमें अगेन आप 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, 1:2:1 इसको मल्टीप्लाई करना है 1:2:1, इसको मल्टीप्लाई करना है 1:2:1, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आप क्रॉस कराइएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो वही रेशियोज आता है। तो इस तरह से हम कुछ फीचर्स जो यहाँ देख रहे हैं इसे हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं कि अगर टाइप्स ऑफ गैमेट पूछा है F1 से कितना फॉर्म हुआ है तो 2:1 ये वाला, मतलब 2:n, n यहाँ पे क्या है, कितने कैरेक्टर कंसिडर किए गए, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप इन सब तरह के क्वेश्चन को क्विकली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझते हैं क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जीनोटाइप। जो भी हम जीनोटाइप देख रहे हैं इस जीनोटाइप से हम कितने तरह के गैमेट फॉर्म कर दे। अब गैमेट फॉर्म होगा, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है कि गैमेट फॉर्म कौन कौन सा गैमेट फॉर्म होता है, क्योंकि गैमेट जब तक फॉर्म नहीं होगा तो क्रॉसिंग किस में आप कराओगे, ठीक है, तो गैमेट बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो कौन कौन से गैमेट फॉर्म हुए हैं ये कैसे पता चलेगा वो हम देखेंगे, कितने फॉर्म होंगे वो हम यहाँ समझते हैं। जैसे आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये जो जीनोटाइप हम ले रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे कितने गैमेट फॉर्म होंगे बताइए आप लोग। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इससे हमें पता है कि कितने गैमेट फॉर्म होंगे, 4, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं एक फॉर्मूला,
फॉर्मूला बता रहे हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट नंबर ऑफ गैमेट, कितने गैमेट फॉर्म होंगे, एटलीस्ट ये आपको पता होगा तो आप सही क्रॉसिंग करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, इसका आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ गैमेट कैसे, तो इसका फॉर्मूला है 2 इज टू द पावर n। क्या है 2 इज टू द पावर n, n क्या है, तो n इज इक्वल टू, सॉरी, n जो है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। हेट्रोजाइगस पेयर, बच्चों पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हेट्रोजाइगस पेयर कहने का मतलब अगर जो दो अलील है वो अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस पेयर, तो जितने हेट्रोजाइगस पेयर होंगे वो आप 2 पे पावर लगा दीजिए, वही रिजल्ट होगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमें कौन कौन से गैमेट मिल रहे हैं, मतलब कितने गैमेट मिलेंगे, तो यहाँ 2 हमने लिखा और 2 पे पावर कितना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें हेट्रोजाइगस पेयर कितने मिल रहे हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हेट्रोजाइगस पेयर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया, दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर, यानी 2 हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ हम 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कितने गैमेट इससे फॉर्म होंगे, 4। सिंपल ट्रिक, ठीक है। यहाँ पे भी वही, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो हेट्रोजाइगस पेयर कौन कौन सा है, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ये तो होमोजाइगस पेयर है तो इसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल, यानी आपको इसमें कितने हेट्रोजाइगस पेयर मिले, 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 1, यानी गैमेट यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 2 गैमेट, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम ये कैसे पता करेंगे कौन कौन से गैमेट फॉर्म होंगे, तो बच्चों आगे उसका ट्रिक हम बता रहे हैं अभी आपको, अभी पहले आप ये समझिए कितने गैमेट फॉर्म होंगे, तो उसके लिए ये ट्रिक है 2 टू द पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, जितने भी हेट्रोजाइगस पेयर होंगे उनका नंबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर हम देखें हेट्रोजाइगस पेयर, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक हेट्रोजाइगस पेयर है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी एक हेट्रोजाइगस पेयर है, और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी एक हेट्रोजाइगस पेयर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3, 3 हेट्रोजाइगस पेयर मिला है, तो कितने गैमेट फॉर्म होंगे, 8, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये होमोजाइगस पेयर है, ये होमोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस तो है नहीं, कैपिटल ए कैपिटल, ये भी क्या है, होमोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस नहीं है, और कैपिटल सी ये भी होमोजाइगस है, तो यहाँ तो हेट्रोजाइगस पेयर है ही नहीं, तो 2 टू द पावर हम क्या लिखेंगे, 0, यानी गैमेट कितने मिलेंगे, 1, किसी पे भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या आता है, 1, इतना तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला है ये याद रखने का कि कितने गैमेट फॉर्म होंगे, कोई भी आपको दिया गया है जीनोटाइप दिया गया है, अब उस जीनोटाइप से आपको ये पता करना है कि कितने गैमेट फॉर्म होंगे, तो उसके लिए ये सिंपल एंड ईजी फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से गैमेट फॉर्म होंगे, तो कौन कौन से गैमेट फॉर्म होंगे, उसके लिए एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं फॉर्क लिंक मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब एक एक करके हम समझते हैं ये फॉर्क लिंक मेथड क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक जीनोटाइप हमने लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले उसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी फॉर्क लिंक मेथड समझते हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, करना कुछ नहीं है, ये जो पहला पेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये पहला पेयर क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग लिखिए। अलग अलग कहने का मतलब आपने ये लिया कैपिटल वाई और यहाँ लिया स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल कैपिटल वाई को आगे आगे जो पेयर प्रेजेंट है उन दोनों पेयर से क्या कराना है, आपको जोड़ना है, यानी
यानी अब जैसा कि हम ले रहे हैं यहाँ पे कैपिटल वाई है, इसको एक बार कैपिटल आर के साथ रखना है और एक बार स्मॉल आर के साथ रखना है, ठीक है। जो आपने ऊपर किया है वही आपको नीचे करना है, यानी एक बार अगेन इसको कैपिटल आर के साथ रखना है और इसको स्मॉल आर के साथ रखना है। बन गया गैमेट, कैसा? देखिए ये एक गैमेट बना कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये एक गैमेट बना कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये एक गैमेट बना स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये आपको बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी टोटल कितने गैमेट्स हो गए फॉर्म? चार गैमेट। अब हम लोग अपना पहला जो ट्रिक था पढ़ा था वो हम लोग लगाते हैं। अगर यहाँ देखिए तो हेटरोजाइगस पेयर कितने हैं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी दो है, तो टू टू द पावर टू, यानी कितने गैमेट्स बनने चाहिए? चार। यहाँ पे हमें चार गैमेट दिख रहा है, एक दो तीन चार, कौन कौन सा है ये भी पता चल गया, कितने फॉर्म हो गए ये भी पता चल गया, है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं फॉर्क लिंक मेथड। चलिए अब नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं, ये अभी तक हम लोग सिंपल देख रहे थे, ये थोड़ा हम लोग ट्राई हाइब्रिड का देखते हैं। ट्राई हाइब्रिड अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है ना। ये तीन आपको हेटरोजाइगस पेयर मिल रहा है, यानी टू टू दी पावर यहाँ पे कितना होगा? थ्री। यानी टोटल गैमेट्स कितने मिलने चाहिए? एट। टोटल गैमेट्स कितने मिलेंगे? एट। अगर हम देखें तो टोटल गैमेट हमें कितने मिलेंगे? एट। चलिए अब हम फॉर्क लिंक मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। क्या है जीनोटाइप? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो पहला वाला अगर हेटरोजाइगस है तो दोनों को स्प्लिट कर लीजिए, यानी एक हमने लिया कैपिटल ए, दूसरा हमने लिया स्मॉल ए, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे जो भी है इसे लिंक करते जाइए, इसी को बोलते हैं क्या? फॉर्क लिंक मेथड। यानी इसके आगे, अब इसको तो हमने हटा दिया, क्या है? कैपिटल बी भी है और कैपिटल स्मॉल बी भी है, ठीक है, समझ आई बात? आपने यहाँ जो किया वही यहाँ करना है, इसको एक बार जोड़िए कैपिटल बी से और इसको जोड़िए स्मॉल बी से। अब स्टूडेंट अगर यहाँ आप देखिए तो इसके आगे भी है, तो जैसा इसमें देखिए हमने कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग कर दिया है, यहाँ भी हमने कैपिटल बी स्मॉल बी को अलग कर दिया है, तो अब इसे हम आगे वाले से जोड़ेंगे। एक बार हमने रखा कैपिटल सी और एक बार हमने रखा स्मॉल सी, जो यहाँ किया वही यहाँ करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगेन कैपिटल सी स्मॉल सी, अगेन कैपिटल सी स्मॉल सी। अब हम लोग का गैमेट बन गया, गैमेट कैसा है देख लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर यहाँ देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर यहाँ हम देखें तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ देखें स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहाँ अगर हम देखें स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर टोटल गैमेट काउंट करें तो कितना है? एक दो तीन चार पाँच छ सात और टोटल गैमेट कितने मिल गए? आठ। तो यहाँ अगर हम देखें तो टोटल हमें एट गैमेट्स क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो ये तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितने गैमेट फॉर्म होंगे, ये तो हमने पहले ही देख लिया, और ये फॉर्क लिंक मेथड से कौन कौन से गैमेट फॉर्म होंगे ये हम देख लें। उसी तरह ये आप सॉल्व कीजिएगा इन दोनों से। अच्छा चलिए एक हम और बता दें, ये भी बहुत सिंपल है अगर हम इसे देखें तो। यहाँ पे अब देखिए मैंने बोला अगर हेटरोजाइगस पेयर हो तो दोनों को क्या करना है? अलग करना है। बट अगर इस केस में हम देखें, हमने लिया है क्या? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, या हेटरोजाइगस पेयर एक ही है ना, तो क्या लिखेंगे? टू टू द पावर वन, यानी दो ही गैमेट मिलेंगे, तो ये दो गैमेट। तो अगर पहला जो पेयर है वो होमोजाइगस हो तो होमोजाइगस केस में हम क्या लेते हैं? सिर्फ एक ही लिखते हैं, स्प्लिट नहीं करते हैं, और इसे आगे वाले से जोड़ देते हैं, यानी कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर, हो गया गैमेट फॉर्म कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, यही दो गैमेट फॉर्म होंगे। यहाँ पे देखिए कितने गैमेट फॉर्म हो रहे हैं? दो,
ठीक है, इसे भी चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए एक हेट्रोजाइगस पेयर है, सिर्फ एक ही हेट्रोजाइगस, यानी यहाँ भी गैमेट कितने फॉर्म होंगे, दो, टू टू द पावर वन, यानी दो। अब इसे हम देखते हैं कैसे, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमने लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। पहला वाला क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर है, तो कुछ नहीं, आपको अलग अलग करना है, स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है। अब बाद में क्या है, दोनों के दोनों होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस है तो आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल बी से जोड़िए, जैसा आप ऊपर कर रहे हैं वैसा ही नीचे करना है, यहाँ भी कैपिटल बी, और इसके आगे वाला भी क्या है, होमोजाइगस है, तो कैपिटल सी, यहाँ भी हमने लिया कैपिटल सी। तो क्या फॉर्म हुआ, ए बी सी और अगेन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। ये दो गैमेट यहाँ पे फॉर्म हुए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से गैमेट फॉर्म होते हैं और कितने गैमेट फॉर्म होंगे ये भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी क्रॉसिंग आपको दिया गया हो और आपको ये पता करना हो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो इन सब ट्रिक से आप पता कर सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक हम लोग मेंडल के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे थे, यानी मेंडलिज्म डिस्कस कर रहे थे, मेंडलिज्म यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट है पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म यानी मेंडल के बाद के कंसेप्ट को देखते हैं। पोस्ट मेंडलिज्म में जो सबसे पहला दिया गया, विच इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आप देखे होंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो था ये एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था उसका एक्सेप्शन था। अब हम यहाँ से समझेंगे कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा किस में गया था, एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, मिराबिलिस जलप्पा, बच्चों हम लोगों ने 11th में इसके बारे में पढ़ा है, 4 o'clock प्लांट होता है, यानी 4 बजे खिलता है, इसके लिए इसे हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। नाम क्या है, मिराबिलिस जलप्पा, ठीक है। एंड अनदर वन इज एंटीरिना मेजस, जिसे हम बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, ठीक है। तो इनमें देखा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें क्या हुआ था, डोमिनेंट कैरेक्टर जो लिया गया था कैपिटल आर रेड कलर और स्मॉल आर क्या था, वाइट कलर, यानी ये जो था ये रिसेसिव कैरेक्टर था और ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है। क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराया गया तो F1 में जब क्रॉसिंग कराया गया, यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया रिसेसिव कैरेक्टर यानी स्मॉल आर से, ठीक है। तो क्या हुआ, जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो है ये इसकी अगर बात करें तो ये पिंक कलर का था, कौन से कलर का था, पिंक कलर का था, समझ में बात, कौन से कलर का था, पिंक कलर का था, यानी ना रेड कलर ना वाइट कलर, ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट आया यानी F1 जनरेशन का, यहाँ मेंशन करेंगे F1 रिजल्ट क्या आया, 100% पिंक कलर, ठीक है, क्लियर। अब F2 में यानी यहां पे क्या कराया गया, F2 जनरेशन, F2 में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया, आगे भी देख लेते क्या हुआ। F2 जनरेशन में जब क्रॉस कराया गया तो जो रिजल्ट आता है उसी का हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर से, ठीक है। क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर से। तो यहाँ पे जो देखा गया, तो यहाँ पे एक बार कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल आर, ये आया कैपिटल आर, ठीक है। फिर कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया स्मॉल आर से, क्या आया कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसको इससे क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया तो स्मॉल आर, ठीक है। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट अगर देखें बच्चों तो ये तो था कैपिटल आर ये आपको मिला रेड, ठीक है, क्या मिला ये रेड। ये जो दोनों देखा कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपको पिंक कलर का फ्लावर मिला, और ये जो था स्मॉल आर ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला वाइट कलर का, सॉरी ये आपको क्या मिला वाइट कलर का, ठीक है।
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, याद करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बोला ये गया था कि अगर डिसिमिलर पेयर है, यानी जैसे यहाँ देख रही है क्या डिसिमिलर पेयर है, तो एक्सप्रेशन किसका होता है, एक्सप्रेशन होता है डोमिनेंट पेरेंट का। तो यहाँ डोमिनेंट क्या है, रेड कलर, क्या उसका एक्सप्रेशन हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हो गया, फेल हो गया, इसे ही हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया, रिजल्ट इन एफ टू क्या आया, रिजल्ट इन एफ टू, एफ टू में अगर रिजल्ट की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया बच्चों, 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आया, सेम, जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आएगा, वही आएगा ना, क्योंकि जीनोटाइप भी क्या है, अगर हम देखें तो रेड, ठीक है, इसका एक ही है जीनोटाइप, पिंक इसका, दोनों जो फिनोटाइप है दोनों का जो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेम है, तो दो, तो इसका भी क्या आएगा, 1:2:1, समझ में आई बात बच्चों, ठीक है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हुआ यही है कि लिया गया जो डोमिनेंट कैरेक्टर लिया गया और रिसेसिव कैरेक्टर लिया गया, इनको इनको जब F1 में क्रॉस कराएगा तो इनके कैरेक्टर मिक्स हो गए, यानी रेड और वाइट मिक्स होकर के क्या दिए, पिंक कलर। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल पेरेंट है और जो फीमेल पेरेंट है उनके कैरेक्टर आपस में मिक्स हो जाते हैं और वही नेक्स्ट जनरेशन में आते, लेकिन उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे। तो यहाँ अगर हम देखें तो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ये एक तरह का एग्जाम्पल है किसका, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का, बट नो ट्रू टाइप, ट्रू टाइप नहीं है, सही नहीं है, ऐसा क्यों, बिकॉज रेड एंड वाइट री अपियर्स इन एफ टू जनरेशन, रेड और वाइट कलर वापस से क्या हो जा रहे, आ जा रहे, री अपियर हो जा रहे, किस में, एफ टू जनरेशन में। अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो रहा होता तो ये एफ टू जनरेशन में भी अपियर नहीं होते, ठीक है। तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें क्या होगा, एफ वन जनरेशन में कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे बट एफ टू जनरेशन के अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो भी दिखेंगे। तो यही हो रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट मेंडलिज्म में देखें, दूसरा है कोडोमिनेंस, ये भी एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था, किसका था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का था। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ, यहाँ अगर हम बात करें तो हमने क्या लिया है, ए बी ब्लड ग्रुप, एग्जाम्पल क्या लिया है, ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए बी ब्लड ग्रुप जो है, और कोट कलर इन कैटल, ठीक है, कोट कलर इन कैटल, समझते हैं इसको डिटेल में। कोट कलर इन कैटल अगर देखें तो जैसा कि हमने पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल लिया था फ्लावर का कलर, रेड कलर और वाइट कलर, ठीक है, मिराबलिस जलप्पा, ठीक है, इसका हमने डोमिनेंट लिया रेड कलर और रिसेसिव लिया वाइट कलर। उसी तरह यहाँ भी हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कलर इन कैटल, ठीक है, हम लोग क्या ले रहे हैं, कोट कलर इन कैटल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। यहाँ पे कैपिटल बी ब्लैक, ये हमने लिया डोमिनेंट, और स्मॉल बी वाइट, ये हमने लिया रिसेसिव, ठीक है। अब अगेन हम क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो हमने क्रॉस कराया डोमिनेंट पेरेंट को, क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट से, यानी कैपिटल बी को क्रॉस कराया स्मॉल बी से, तो रिजल्ट आया कैपिटल बी स्मॉल बी विच इज रोन कलर, ये कैसा कलर था, रोन कलर मिला। रोन कलर कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा वैसा, बहुत सारे कैटल्स होते हैं, काऊ होते हैं, जिनमें क्या रहता है, पूरा का पूरा वाइट रहता है और उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं, या पूरा का पूरा क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा और सॉरी पूरा का पूरा वाइट रहेगा, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे, या पूरा ब्लैक रहेगा वाइट स्पॉट्स मिलेंगे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रोन कलर, जिसमें ब्लैक और वाइट दोनों अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ, समझ में आ रही बात, यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स नहीं हुआ है करेक्टर, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही कलर अपीयर हो रहे हैं।
तो यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कलर इसमें देखने को मिल रहा है F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में यहाँ हम बात करते हैं, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है देखते हैं। F2 जनरेशन में हमने क्रॉसिंग कराया, जो रिजल्ट आया था कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस कराया कैपिटल बी स्मॉल बी से। तो अब इसको क्रॉस कराने से क्या हो रहा है, कैपिटल बी को हमने कराया कैपिटल बी से, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे क्या हो रहा था स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगेन ब्लैक, ये दोनों अगेन कैसे हो जाएंगे रोन कलर, और ये कैसे हो जाएंगे रिसेसिव कलर, सॉरी रिसेसिव नहीं वाइट कलर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये वाइट कलर। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे अगेन फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो वही आ रहा है 1:2:1, ठीक है। यानी यहाँ पे कोडोमिनेंस में भी क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर्स है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो बोला गया था वो यहाँ भी फेल हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला गया था, अगर डी सिमिलर पेयर है, अलग अलग पेयर है, तो क्या होगा डोमिनेंट वाला अपीयर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस। समझ आई बात बच्चों? तो अब यहाँ पूछेगा मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है बच्चों कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था कि क्या हो रहा था, दोनों कलर मिक्स हो जा रहे थे और एक नया कलर आ रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों ही कलर अपीयर हो रहे हैं, है ना बा, ठीक है। तो इन दिस केस देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील, दोनों ही एलील का एक्सप्रेशन हो रहा है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस में तो जैसा है पहले वैसा ही हो रहा है, जैसा पेरेंटल कैरेक्टर है होमोजाइगस में वैसा ही होगा, बट अगर हेट्रोजाइगस एलील्स है तो दोनों ही एलील का क्या हो रहा है एक्सप्रेशन हो रहा है। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस देयर इज ब्लेंडिंग, क्या हो जा रहे हैं वो मिक्स हो जा रहे हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो ये आपका है कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट अब आगे हम देखते हैं मल्टीपल एलील्स। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल एलील्स का, यानी अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे दो एलील्स, ठीक है, अब आपको दो से ज्यादा एलील्स दिखेंगे। जैसे मल्टीपल एलील्स का मतलब ही क्या है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एलील रिप्रेजेंटिंग वन, यानी एक जीन को दो से ज्यादा एलील क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स, ठीक है। जैसे कोट कलर इन रैबिट, रैबिट में जो कोट कलर मिल रहा था उसको चार एलील रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरह एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करता है थ्री एलील्स। देखते हैं कैसे, कौन कौन से एलील है बच्चों, तो यहाँ हम तीनों एलील लिख ले लेंगे यहाँ पे आई ए आई बी और आई ओ या आई आई, ठीक है ना। ये ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट, ये बी और ये, तो इस ब्लड ग्रुप को तीन अलग अलग एलील्स क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप मान लीजिए है ए, ए ब्लड ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कौन कौन से जीनोटाइप, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए के लिए पहला आई ए आई ए, ठीक है, इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे हम आई ए और आई ओ या आई ए आई आई, ये दोनों क्या है सेम है, ये जो दोनों है ये दोनों सेम है, इसे हम एक ही माने, यानी आप ए ब्लड ग्रुप को दो अलग अलग तरह के एलील से, यानी यहाँ पे देख लीजिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग एलील्स है, दो अलग अलग नॉट एलील जीन है, दो अलग अलग जीन एक एलील को रिप्रेजेंट कर, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे वही बात बोला गया मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील रिप्रेजेंटिंग वन जीन, यानी एक जीन को, यानी ब्लड ग्रुप ए को, ये तो दो एलील था ही, इस एक ऑल अल्टरनेटिव एलील आ गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लड ग्रुप ए को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बी की बात करें तो एक आई बी, आई बी ये तो होगा ही होगा, और अगेन यहां पे भी क्या होगा आई बी आई ओ या आई बी आई, ठीक है।
इसके बाद ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ को सिर्फ और सिर्फ आई ओ आई ओ ही रिप्रेजेंट कर सकता है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो अगर यहां पे अगर देखें तो नंबर ऑफ फिनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने, ए बी ओ यानी तीन, कितने हैं, थ्री, एक मिनट, कितने हैं, थ्री, ठीक है, यानी तीन फिनोटाइप है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना, और ये वाला एक कंप्लीट हम ले लेते हैं, सॉरी एक ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है, ठीक है ना, एक ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है, तो यहाँ हम नीचे लिख लेंगे उसको, यहाँ यहाँ लिख लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ए बी ब्लड ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई ए और आई बी से, ठीक है ना। तो यहाँ एक हम फिनोटाइप यहाँ मेंशन कर देंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, चार, ठीक है, एक और ए बी हो गया, बाद में आया था इस कारण से इसे हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। तो ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो आई ए आई बी, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप अब कितने हो गए, तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच और छः, जीनोटाइप कितने हो गए, छः। और नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर की बात करें तो हेटरोजाइगस पेयर कितने हैं, एक दो और तीन, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर कितने हैं, थ्री, क्लियर स्टूडेंट। तो ये था आपका मल्टीपल एलील्स का केस। तो यहाँ हम अब इससे मल्टीपल एलील्स को क्लियरली समझते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी के से, ये हम लोगों ने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे, वो ही डिसाइड करेगा कि डोमिनेंट जीन कौन सा है आई का, ठीक है। बट व्हेन इट बिकम रिसेसिव, जब ये रिसेसिव हो जाता है तो एंटीजन फॉर्म ही नहीं होता है, नो एंटीजन इज फॉर्म एंड द ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, ओ। यानी आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा आई पे, ठीक है ना, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं आई जो है इस पे जो भी डोमिनेंट एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे, चाहे ए हो तो ए ब्लड ग्रुप, बी होगा तो बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो वही डिसाइड करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ। यही बात यहाँ पे मेंशन है, व्हेन इट बिकम रिसेसिव नो एंटीजन इज फॉर्म एंड द ब्लड ग्रुप बिकम्स क्या हो जाता है, ओ। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, बॉम्बे फिनोटाइप, क्या हम बोलते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप। सो स्टूडेंट, स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पॉपुलेशन, मतलब ये जो मल्टीपल एलील्स का केस है ये हम लोग ब्लड ग्रुप के थ्रू समझ सकते हैं, पॉपुलेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क है इससे रिलेटेड, ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ए मेल विथ हेटरोजाइगस है, ए ब्लड मतलब एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, हेटरोजाइगस ए है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मैरीज अ वुमेन, अ फीमेल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, जिसे शादी करता है उस फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या रहता है, ए बी, देन वॉट काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग आर एक्सपेक्ट, तो इन दोनों से किस तरह के ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्टेड है, यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले ऑफस्प्रिंग इनसे एक्सपेक्टेड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप इससे आएगा। हम चेक करेंगे कि कौन कौन बच्चों ने बताया है, ठीक है। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इफ फोर एलील रिप्रेजेंट वन जीन, अभी तक हम क्या देख रहे थे, दो एलील एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है ना, मल्टीपल एलील्स पढ़ने से पहले, ठीक, तो देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड हेटरोजाइगस जीन पेयर। तो आपका काम यह है कि अब जब चार एलील एक जीन को रिप्रेजेंट करेगा तो जीनोटाइप कितने होंगे और हेटरोजाइगस जीन पेयर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मे बी कुछ बच्चों को दिक्कत हो, तो ये हम लोग ये दोनों क्वेश्चन हालांकि हम लोग आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, बट ये आपका होमवर्क है, पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए जब दो जीन दो एलील रिप्रेजेंट कर रहा था एक जीन को, तब क्या क्या जीनोटाइप मिल रहा था और हेटरोजाइगस पेयर मिल रहा था,
अब उससे रिलेटेड जब चार हो गया तो कितना मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल आपका कैलकुलेशन है, एक बार आप खुद से अप्रोच कीजिए, इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, फिर जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिस ट्रिक्स के थ्रू आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो विद दिस हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।